नमस्कार, आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं जुगलबंदी मॉरिशन और भारतीय छात्राओं के बीच। तो आज हमारे बीच होंगी अर्पिता बनर्जी इंडिया से और मॉरिशस से आप देख सकेंगे त्रिष्टि तुरी को। इन दोनों के बीच जो कथक शैली में नृत्य होंगे उसका लुफ्त आप ज़रूर उठाएं। तो चलिए हम मिलते हैं इन कलाकारों से। मैं तो लखनऊ घराना और रायघर घराना सीखी हूँ और दीदी प्यू लखनऊ घराना, तो हम दोनों एक जुगलबंदी करेंगे। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आजकल का जो बच्चे लोग हैं, जिन लोगों को ये पैशन है, तो पेरेंट्स लोग वो लोगों को एनकरेज करना चाहिए वो लोगों को ये आर्ट फॉर्म को डेवलप करने के लिए। तो हम लोगों के पास IGCIC है, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट है, तो हम लोगों को ये फ़ायदा उठाना है और बच्चे लोगों को ये ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म को सिखाना है। After the beautiful Shiv Vandana, me and Trishti
I'm going to present teen taal. The taal paksh or teen taal is a 16 beat time cycle. It's a very technical bit of Kathak, comprises of 16 beats after which we come to sam. In Kathak, my Guruji always says that when a Kathak dancer is performing, the audience is completely involved. Every time we take a sum, you have an opportunity to clap, to tell that if it is nice. If it is not, clap more so that we know next one we should do it. Thank you.
पल्ली, इसका मतलब एक बंदिश में तीन लाइन दिखाएंगे। अगर थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, थैंक यू। चलेंगे मध्य लय की ओर। अब तक हम देख रहे थे विलंबित लय, अब मध्य लय की ओर आगे बढ़ेंगे। शुरुआत करेंगे रस पंचानन से। त्रिष्टि जी करेंगी एक छोटा सा बोल। रस पंचानन एक चक्करदार, जो एक ही कॉम्पोजिशन जो है उसमें हम तीन बार करते हैं। उसे उसमें कई जातियाँ हैं, जातियाँ उसमें रिदम अलग अलग हैं, पर एक ही चीज़ तीन बार करते हैं, चक्करदार रस पंचानन। Yeah.
कहते हैं गजविलास, अंग है गज के चाल के, गजविलास। Thank you.
प्रस्तुत करेंगे जोड़ी का तिहाई, एक जोड़ी, जोड़ी का एक अंश त्रिष्टि, एक अंश मैं, दो तिहाई की प्रस्तुति करेंगे, दो जोड़ी तिहाई। Thank you.
ट्रेडिशनल परन है लखनऊ घराना का, तो हम लोग जोड़ा परन करेंगे लखनऊ और रायघर घराने का। Thank you.
नेक्स्ट आइटम वुड बी अ ठुमरी। सब बन धन आए शाम प्यारिये, सत इन राग हमीर इन पंजाबी तीन ताल। दिस ठुमरी इज सेट इन वसक सजनायिका। इट हैज बीन कंपोज्ड बाय पंडित बिंदादिन महाराज। इन दिस ठुमरी विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू सी दैट ए नायिका इज ड्रेस्ड अप एंड इज ओवरवेलम्ड विद डिजायर। शी जस्ट सिट्स देयर वेटिंग फॉर हर बिलवड, नोइंग दैट हर लवर विल नॉट स्टे अवे फ्रॉम हर फॉर लॉन्ग। She adores herself, her forehead with pearls, and a long braid rests on her back. Her face shines like the lightning, and she walks in an arousing way. We have the great pleasure to have Arpita Banerjee with us for Thumri.
के लिए बहुत ही ध्यान से तैयार हुई है, खुद को आईने में काफ़ी बार देख चुकी। उसके दिल में कई ख्याल आए, आज मैं ऐसे तैयार होके जा रही हूँ। मैं नायक कृष्ण को ही मान रही हूँ। तो कृष्ण क्या मेरे साथ छेड़छाड़ करेगा या वो किसी और गोपियों के साथ मग्न रहेगा? इन्हीं सब ख्यालों में नवीन जी के गायकी में थोड़ी सी भाव प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगी, बिना अंतरा में गए उसी के पहले। फिर अंत करूँगी अंतिम के कुछ शब्द, जिसमें प्यार तो है ही, पर मेरा मानना ये है कि बिना भक्ति के प्यार पूर्ण नहीं होता। जब नायिका देखती है कि अरे कृष्ण आ रहे हैं, प्यार तो है, मोहब्बत तो है, पर अचानक उनका मन भक्ति भाव से भर जाता है। राग की थोड़ी सी अदल बदल में श्रृंगार रस से भक्ति रस में जाएंगे, फिर श्रृंगार रस में आएंगे। अंत करूँगी अंतिम के कुछ लाइन्स में, बनत हन आई सब प्यारी रे। सब बन रहा है।
आप लोगों ने जुगल बंदी किए हैं मॉरिशस और इंडिया के बीच। जी नमस्ते। जी इस ये पहली बार है कि मैं और दृष्टि तुरी जी हम दोनों ने कथक की जुगलबंदी प्रस्तुत की, और हमारी कोशिश रही है कि इंडिया और मॉरिशस में जो भी फिजिकल डिस्टेंस है उसको डांस के ज़रिए मिटाने की। हमारी दोस्ती भी ऐसी ही है, तो हमने यही कोशिश की है। आशा है कि सबको अच्छा लगेगा, और बाकी तो ऑडियंस बोलेंगे। तो ये था इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र से जुगलबंदी मॉरिशन और भारतीय छात्राओं के बीच। और आज आप मिले अर्पिता बनर्जी और दृष्टि तुरी से। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।